गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज चुके हैं 7, को अभी 5 मिनट बाकी है सुबह के, और मैं अभी जा रहा हूँ आरती में। अभी मैंने नहा लिया है, फ्रेश हो गया हूँ थोड़ा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, मैं हूँ तनोट माता जी का, जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर, जो ये पूरा, हाँ यहाँ पर हूँ। तो फिर मैं आपको, चलो बता देता हूँ, यहाँ पर आरती चालू है। आरती तो कब से, ऑलमोस्ट कब से चालू हो गई, आई थिंक ख़त्म भी होने वाली है अभी, बट ठीक है चलो। तो आरती अभी चालू है, ये है तनोट माता जी का मंदिर। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। जूते चप्पल यहाँ उतारिए, चलो राजस्थान के जैसलमेर शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर तनोट माता जी के मंदिर की देशभक्ति वाली कहानी 51 साल पुरानी है। कहा जाता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मंदिर के आसपास पाकिस्तानी सेना ने 3000 बम गिराए थे, पर इसमें से एक भी बम नहीं फटा। 1965 के वॉर के बाद एक और वॉर हुआ था 1971 में, उस समय भी पाकिस्तानी सेनाओं ने हार मान ली थी। हालांकि तनोट गांव बहुत ही छोटा है और यहां पर कुल जनसंख्या 500 है, बट इस चमत्कार की वजह से इस गांव को पूरा पाकिस्तान जानता है। आप देख सकते हो, यही बॉम्ब पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे पे हमले के लिए यूज किए थे। और यहाँ पर जो भी विशेष आप मांगते हो वो पूरी होती है यहाँ पर, और यहाँ का प्रोसेस कुछ अलग है, मुझे मैंने पता नहीं किया था। तो अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आप किसी से पूछोगे तो आपको बता दिया जाएगा। अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मैं हूँ तनोट माता जी के मंदिर में, जो कि जैसलमेर में है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। तनोट एक विलेज है, वहाँ पर तनोट माता जी का मंदिर है। और यहाँ पर मैं कल आया था, मेरे को कैसे भी करके कल की डेट में पहुँचना था, बिकॉज़ यहाँ पर
बसेस अवेलेबल नहीं थी, बट मैंने कैसे भी करके यहाँ पर फाइनली पहुँच गया हूँ। बट अच्छा लगा है, और आज 10th मार्च और आज होली का दिन है, और होली के टाइम पे यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। मैं छुप छुप के वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पर देख के अच्छा नहीं लगता ना यार, मतलब ऐसे हमारे आर्मी जवान यहाँ पर है और मैं कर रहा हूँ, बट वो कुछ ना नहीं बोल रहे, देख के स्माइल कर रहे हैं। तो ये है मंदिर का पूरा व्यू। तिलक लगाया है मुझे, बट वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, हमारे आर्मी वालों ने ही लगाया तो चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि भाई अगर आप यहाँ पर आओगे तो अपना आईडी प्रूफ ज़रूर लेके आइए, क्योंकि ये है बाउंड्री पे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे है, तो यहाँ पर आईडी बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। यहाँ पर बाहर बोर्ड भी लगाए कि अगर यहाँ पर आओ तो आप अपना आईडी कार्ड ज़रूर लेके आइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। मेरा तो, मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, मेरे पास मतलब आधार कार्ड स्कैन कॉपी था मेरे फ़ोन में, बट तो भी वो हार्ड कॉपी भी कैरी करोगे तो अच्छा रहेगा। और उन्होंने मेरा पैन कार्ड लिया, फिर पैन कार्ड उन्होंने अपने पास ही रखा, उन्होंने बोला कि जब आप जाओगे तो मुझसे मिल लेना और यहाँ से आप रिटर्न ले लेना। तो और यहाँ से मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जैसे ही पूछा उनसे कि ये कहाँ पर, यहाँ से पाकिस्तान कितना दूर है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से पाकिस्तान 20 किलोमीटर है। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा मंदिर है यहाँ पर, और ज़्यादातर अब आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो आरती करते हैं वो भी ही आर्मी वाले ही है, मतलब ये पूरा जो ये जो पार्ट है बी एस एफ जो पार्ट है पूरा ये आर्मी के अंडर ही आता है। यहाँ पर आप धर्मशाला भी देखोगे तो आर्मी के अंडर रहती है, तो वहाँ पर भी जो देख रेख करते हैं वो भी आर्मी वाले ही रहते हैं, मतलब ये सारा आर्मी वाला। और यहाँ पर ये बात है कि भाई यहाँ पर अगर आप सामान किधर भी छोड़ दोगे या कुछ भी कर लोगे तो यहाँ पर सामान कहाँ पर भी छोड़ दोगे मतलब किधर भी पड़ा है। देखो अभी मेरा बैग पता नहीं किधर, वो देखो वहाँ पर पड़ा है मेरा बैग, वहाँ पर आप देखोगे तो मेरा बैग मैंने वहाँ पर रखा है एकदम। तो इसमें ये बात है कि भाई आपका जो भी आपने चीज़ें ली है वो कहाँ पर भी रखोगे तो वो चोरी होने के चांसेस नहीं रहते हैं, बट तो भी अपने सामान की हिफाजत करनी बहुत ही ज़रूरी है। बट ये ऐसे एरिया में जो पूरा मिलिट्री से घिरा हुआ है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी वाली फीलिंग आती है। यहाँ के गांव वालों से भी मैंने पूछा कि भाई आपको कैसा लगता है, बोलता है हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमें मतलब हमें जितनी सिक्योरिटी दी जाती है उतनी मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं दी जाती। और मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग के बॉर्डर इलाके में जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं। अब वो मुझे पता नहीं जम्मू एंड कश्मीर का क्या सीन है, बट यहाँ के जो राजस्थानी भाई साहब जितने लोगों से भी मिला, आपने देखा रहेगा बहुत जन से मिला, तो बॉर्डर पे जो रहते हैं उनसे मिला, और अभी मैं भी बॉर्डर इलाके पे ही हूँ, तो फिर मतलब उनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि भाई मतलब वो बहुत ही खुश है, ये माहौल से बहुत ही खुश है। बाकी तो तनोट माता जी का मंदिर मैंने आपको बता दिया, एक बार आइए यहाँ पर विज़िट कीजिए, और आरती बड़ी ही प्यारी होती है यहाँ पर। यहाँ का गांव, यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे हैं। सर जी हैप्पी होली मनाया कि नहीं आपने, फिर खेल नहीं रहे हो क्या होली? अच्छा दोपहर के बाद में, अरे वाह, चलो थैंक यू सर। Looking for myself, I'm staring at the shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can leave me to the side. You're still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light me. ही अच्छा है, कभी एक बार आइए यहाँ पर, सफारी का मज़ा लीजिए, इस रेगिस्तान का मज़ा लीजिए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अकेले आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, रहने का वो सब का टेंशन मत लीजिए, रहने के लिए अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर, धर्मशाला बनी हुई है और
डिनर का, ब्रेकफास्ट का, लंच का तो टेंशन मत लेना, यहाँ पर होटल है तो रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा, और ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, धर्मशाला है, अच्छे से रही है, चार्ज भी कर सकते हो फ़ोन, नहाने के लिए फैसिलिटी है, वॉशरूम्स सारी है। तो ये जो है ये है यहाँ की धर्मशाला, यहाँ पर फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो गाइस फाइनली मेरे को तनोट से एक गाड़ी मिल गई है, अभी तनोट से मैं जाऊँगा रामगढ़, फिर रामगढ़ से देखेंगे क्या होता है। ये गाड़ी मिली है मुझे तो अभी इसमें जाऊँगा। तो गाइज मैं अभी तनोट से रामगढ़ आया था बहुत ही मुश्किल से, और एक भाई साहब ने लिफ्ट दी थी वहाँ पर, और अभी मुझे तनोट ये कहा रामगढ़ से जैसलमेर के लिए एक और भाई साहब ने लिफ्ट दिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। और आपने ये पूरा सीट खराब कर दिया चलिए। अच्छा बताइए सर जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम सवाई, सवाई सवाई सिंह। अच्छा अच्छा ओके, और बाकी बताइए आप, मतलब आप बहुत छोटे लग रहे हो, कितनी उम्र है आपकी? 29। कुछ भी सही में सही। क्या बात कर रहे हो 29, अरे वाह आप तो मतलब ऐसे लग रहे हो 17-18 के ऐसे लग रहे हो, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ क्या? मजाक कर रहा हूँ? नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं टेंशन मत लो यार, किधर भी नहीं डालूंगा, यूट्यूब पे ही डालूंगा, टेंशन मत लो। तो ये भाई साहब ने लिफ्ट दी है, होली के मुताबिक भी भाई साहब ने हार्ड वर्क करके अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सोचा यार, मुझे लगा कि आज होली है और मैं आज तनोट में ही रात निकलने वाली है, बट आप जैसे भाई साहब मिल गए थे और एक आप भी मिल गए तो अच्छा लगा मुझे, जैसलमेर के लिए आपने लिफ्ट दिया, थैंक यू। और कुछ बताना चाहोगे? और क्या पता है, और क्या होता है होली का? हाँ तो हैप्पी होली बोलो भाई। हैप्पी होली भाई। तो आगे का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जैसलमेर के बाद, जैसलमेर पहुँचेंगे, अब जैसलमेर से जाएंगे हम लोग अजमेर, तो आगे का वीडियो हम लोग कंटिन्यू बाद में करते हैं। चलिए इसके लिए बाय।